हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। शोधकर्ताओं ने इटली में विकसित की दुनिया की पहली पूरी तरह से खाने योग्य रिचार्जेबल बैटरी। इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली पूरी तरह से खाने योग्य रिचार्जेबल बैटरी विकसित करने का दावा किया है। बकौल शोधकर्ता, बैटरी विकसित करने के लिए उन्होंने बादाम, कैपर और समुद्री शैवाल जैसी खाद्य सामग्रियों का इस्तेमाल किया है। 0.65 वोल्ट की यह बैटरी का इस्तेमाल LED जैसे छोटे इलेक्ट्रिक उपकरणों में किया जा सकता है। अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों की पहचान करने के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2022 से अब तक अज्ञात शवों के 150 DNA नमूनों को इकट्ठा किया गया है। बकौल अधिकारी, रिश्तेदारों के DNA से अज्ञात शवों की पहचान करने में मदद मिलेगी। मार्च में लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हुए खालिस्तानी हमले की NIA करेगी जांच। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2023 में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर हमला कर खालिस्तान समर्थकों द्वारा तिरंगे को उतारे जाने के मामले की जांच अब NIA करेगी। बकौल रिपोर्ट्स, केंद्रीय गृह मंत्रालय के CTCR डिवीजन ने कुछ दिन पहले इन मामले को NIA को सौंप दिया था। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की थी। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती सपा नेता आजम खान के हर्निया की होगी सर्जरी। ENI के मुताबिक दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल ने सपा नेता आजम खान के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनकी हालत स्थिर है और जल्द ही उनकी हर्निया की सर्जरी होगी। गौरतलब है कि अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद सोमवार की सुबह को आजम खान को इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजस्थान में कांग्रेस ने विधायकों के साथ की 1-to-1 बैठक, पायलट नहीं हुए शामिल। कांग्रेस ने राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में विधायकों के साथ 1-to-1 बैठक की शुरुआत की है। हालांकि गहलोत के साथ विवाद के बीच सचिन पायलट इस बैठक में शामिल नहीं हुए। पायलट ने पत्रकारों से कहा कि उनके पहले से 2 कार्यक्रम निर्धारित थे, इसलिए वह शामिल नहीं हो पाए। मथुरा शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। मथुरा शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट 24 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले में शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट और UP सुन्नी सेंट्रल वफ बोर्ड मथुरा शामिल हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले इसी मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई से प्रेरित थे अतीक अहमद और अशरफ के शूटर, पुलिस ने किया खुलासा। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के तीनों आरोपियों सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य ने खुलासा किया है कि वे सजायाफ्ता अपराधी लॉरेंस बिश्नोई के प्रशंसक हैं। इसके अलावा पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों में से एक ने खुलासा किया कि उसने बिश्नोई के कई साक्षात्कार देखे और उससे प्रेरित था। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।